पीढ़ी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही हम जानेंगे आगे की सोच आ सकता है जिन्सों का बाजार। आज खास तौर से बात करने वाले हैं बाजरा, जीरा, धनिया, काजू, सूरजमुखी और ग्वार की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लिंगसुगूर मंडी में 250 रुपए उछला सूरजमुखी का भाव। कुस्तगी मंडी में दर्ज हुई 100 रुपए की गिरावट। विसनगर मंडी में 25 रुपए लुढ़की ग्वार। जोधपुर मंडी में 40 रुपए चढ़ा ग्वार का बाजार भाव। घरेलू स्तर पर 107,16,000 टन हो सकती है कुल बाजरे की पैदावार। गंगापुर सिटी मंडी में 2,440 रुपए रहा बाजार भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सूरजमुखी के बाजार के साथ। बता दें आपको कि बुधवार को इसका जो बाजार भाव है उसमें हमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि अगर हम इसकी आवक की बात करते हैं तो वो मंडियों में कुछ सीमित सी देखने को मिल रही है। जानकारी दें आपको कि पैदावार की अगर हम बात करें तो इस साल इसमें कमी का अनुमान जताया जा रहा है। जी हाँ, इस साल सूरजमुखी की जो उपज है 1,73,000 टन हो सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 1,90,000 टन कम है। तो किस तरह से हो रहा है इसके बाजार में कारोबार, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक रबी और खरीफ सूरजमुखी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। साल 2023-24 के दौरान देश में कुल सूरजमुखी की उपज 1,73,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2022-23 के दौरान सूरजमुखी की पैदावार का ये आंकड़ा 3,63,000 टन था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल सूरजमुखी की पैदावार में 1,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मंडियों में फिलहाल सूरजमुखी की आवक सीमित है। बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही सूरजमुखी बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में सूरजमुखी के भाव कुछ इस प्रकार रहे। कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी में 8 अक्टूबर को सूरजमुखी का भाव रहा 5,850 रुपए। 9 अक्टूबर को इसके सौदों में 250 रुपए की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद सूरजमुखी का भाव 6100 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। इस साल खरीफ सूरजमुखी की बुआई में बढ़त देखने को मिली है। चालू खरीफ सीजन में सूरजमुखी की बुआई बीते साल के मुकाबले 2000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की बुआई 75,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2023 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की खेती महज 73,000 हेक्टेयर में हुई थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का MSP साल 2023-24 के दौरान 6,760 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपए बढ़ाकर 7,280 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो जाना आपने सूरजमुखी के बाजार के हाल के बारे में। पैदावार में कमी है, वहीं मिला जुला सा रुख बना हुआ है बाजार भाव में और MSP में बढ़ोतरी की गई है। तो इन सभी परिस्थितियों का किस तरह से प्रभाव पड़ सकता है आगे आने वाले समय में बाजार भाव पर, जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे आगे आने वाले समय की हम बात करते हैं तो सूरजमुखी का जो बाजार भाव है वो कैसा रह सकता है।
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सूरजमुखी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक इसके उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उत्पादन क्षमता में कमी दर्ज की गई है। हालांकि घरेलू मांग में भी हम देख रहे हैं तो लगभग 1 से 2% तक की गिरावट देखी गई है। यही एक मुख्य कारण है कि ज्यादातर मंडियों के अंदर दबाव के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इसका एमएसपी बढ़ाए जाना एक सकारात्मक कदम की ओर से देखा जा सकता है। इस साल बुआई भी अच्छी होने की उम्मीद नजर आ रही है, तो आगे आने वाले समय में सीजनल डिमांड भी अच्छे से निकलकर आ सकती है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को सूरजमुखी के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी बनी रह सकती है, तो कितनी तेजी का लाभ ले सकते हैं हमारे किसान, क्या कहेंगे उनको आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन सूरजमुखी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं अक्टूबर नवंबर की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 200 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो सूरजमुखी में आगे आने वाले समय में अच्छी खासी तेजी का अनुमान है, ऐसे में किसान थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर चल सकते हैं। और इसी के साथ साहिल जी, आपसे भी गुजारिश है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम अलग अलग जिनसों के संदर्भ में आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ग्वार की। बताएं आपको कि 9 अक्टूबर को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में ग्वार की जो आवक है वो देखने को मिली। बात करें हाजिर भाव की तो बुधवार को कृषि उपज मंडियों में ग्वार के सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला। बताते चले कि देश से होने वाला ग्वारगम का जो निर्यात है बीते 2 महीने के दौरान बढ़ा है। ग्वार के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। ग्वार की आवक इन दिनों कृषि उपज मंडियों में कम देखने को मिल रही है। बुधवार को गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में ग्वार की भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की विसनगर मंडी में 8 अक्टूबर को ग्वार का भाव रहा 4,737 रुपए। 9 अक्टूबर को इसके सौदों में 25 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद ग्वार का भाव 4,712 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की बाड़मेर मंडी में इस दौरान ग्वार के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 8 और 9 अक्टूबर को 5,350 रुपए पर बना रहा। राज्य की ही जोधपुर मंडी में ग्वार के भाव की बात करें तो यहां बीते मंगलवार को ग्वार का भाव था 4,880 रुपए। बुधवार को इसके भाव में 40 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद ग्वार का भाव 4,920 रुपए पर जा पहुंचा। बात ग्वारगम के निर्यात की करें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वारगम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वारगम के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल से मई महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। बीते 2 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 87,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 65,332 टन का हुआ था। बता दें कि भारत में ग्वारगम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। तो जाना आपने ग्वार के बाजार के बारे में, निर्यात जो है काफी अच्छे स्तर पर बना हुआ है, जिसके चलते हमारे किसानों को एक सहारा मिल सकता है। ऐसे में साहिल जी, आपसे जानना चाहेंगे ग्वार को लेकर क्या कहेंगे, आगे आने वाले समय में किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है बाजार भाव पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ग्वार के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें बिकवाली के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम इसके उत्पादन क्षमता की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में आंशिक सुधार देखने को मिला है। लेकिन घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग कमजोर होने के कारण लगातार इसके भावों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, या ये कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से लगातार दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे सीजनल डिमांड में भी हमें ऐसा
लग रहा है कि निर्यात मांग और कमजोर बनते हुए दिखाई देगी और घरेलू मांग में भी आंशिक गिरावट जारी रह सकती है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव ग्वार के भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में इसमें एक आंशिक गिरावट आ सकती है। बिल्कुल, तो आंशिक गिरावट का यहाँ पर अनुमान है। तो ऐसे में किसान क्या करे, बिकवाली करके चलना सही रहेगा, क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल किसान भाई बहन, ग्वार के अंदर एक आंशिक गिरावट करके चल सकते हैं और मंडियों का रुख किया जा सकता है। फिलहाल अगर मैं अक्टूबर नवंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 40 से 70 रुपए क्विंटल तक की गिरावट अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर बाजार भाव इसी तरह कमजोर रहते हैं और मांग में कमजोरी बनी रहती है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 100 से 150 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं उन्हें हाल फिलहाल में ही मंडियों का रुख करना चाहिए ताकि आगे जो आंशिक गिरावट का अनुमान है उससे बच सके और अभी जो अच्छे स्तर पर बाजार भाव बने हुए हैं उसका लाभ ले सके। बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में अरहर के जो बाजार भाव हैं वो किस स्तर पर बने हुए हैं। बात होगी गुजरात की दाहोद मंडी की। बता दें यहाँ पर अरहर का जो बाजार भाव है 8,100 रुपए दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 10,550 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। उत्तर प्रदेश की ही मिर्जापुर मंडी का जिक्र किया जाए 10,550 रुपए ही इसका बाजार भाव बना रहा। वहीं पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में 10,600 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं अरहर के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो अरहर का हाल आपने जाना। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरा और जीरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जीरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं बाजरा के बाजार की। बता दें कि मंडियों में बाजरे की जो आवक है वो इन दिनों सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं हाजिर भाव की। तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो दहीगा मंडी है यहाँ बाजरे का बाजार भाव 2,435 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि जम्बूसर मंडी में सौदे हुए 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं आपको कर्नाटक के लिंगसुगूर मंडी का हाल बताएं, 2,360 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई। और राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,440 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 107,16,000 टन होने का अनुमान जता आया गया है। जबकि हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान कुल बाजरे की जो पैदावार है 114,31,000 टन रही थी। बता दें कि बाजरे की MSP पर भी यहां बदलाव हुआ है। जी हां, केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। और बता दें कि सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही साथ उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन्हीं 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2,500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो 125 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है बाजरे के MSP में। वहीं हमने इसके बाजार भाव का हाल जाना और अगर हम पैदावार की बात करते हैं उसकी भी जानकारी हासिल की। तो ऐसे में आगे किस तरह का माहौल रह सकता है, जानकारी के लिए रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से को, जो हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, क्या कहेंगे आप बाजरा को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों के दौरान एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा मांग में कुछ फेरबदल नहीं होने के कारण एक सीमित दायरे में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर मैं करंट चालू सीजन की बात करता हूँ तो गवर्नमेंट के द्वारा MSP बढ़ाए जाना एक सकारात्मक कदम की ओर से देखा जा रहा है। इसके कारण बाजारों में थोड़ी बहुत रौनक भी आती हुई दिखाई दी है। हालांकि मंडियों में आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है, लेकिन आगे जो इसकी सीजनल डिमांड है उसमें 2-3% तक वृद्धि की उम्मीद लगाई जा रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर वृद्धि का अनुमान जताया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे किसान जो हैं उन्हें आप सलाह क्या देंगे, हमारे किसान ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं?
बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं अक्टूबर नवंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 150 रुपए क्विंटल तक की एक आंशिक तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 200 से 250 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो अच्छी खासी तेजी का यहाँ पर अनुमान है। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं बाजरे के, वो थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, चने के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। गुजरात की राजकोट मंडी का जिक्र करेंगे। चने का बाजार भाव 6,800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में चना 7,350 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जबकि बता दें मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी का हाल, यहाँ पर चने के सौदे 7,405 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में भाव रहा 6,700 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं जीरे की। जी हाँ, बुधवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में जीरा बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो भनवत मंडी है, यहां जीरे का बाजार भाव 21,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं राज्य की ही ध्रोल मंडी में आपको बता दें 22,950 रुपए प्रति क्विंटल पर जीरे की बिकवाली हुई। और राजस्थान की जोधपुर मंडी में 23,600 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बात करें जीरे के निर्यात की, तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान 186,509 टन का जीरा निर्यात किया है। जबकि बता दें साल 2023-24 के दौरान जीरे का जो निर्यात है 1,65,269 टन का रहा है। यानी कि इस साल देश से हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 21,240 टन घटा है। तो यहां पर हमने जीरे के बाजार का हाल जाना, निर्यात का हाल जाना। आगे की स्थिति का जायजा लेने के लिए रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, जीरे को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक घरेलू स्तर पर जीरे की मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 2% तक का इजाफा देखने को मिला है। हालांकि निर्यात मांग हमें हल्की फुल्की घटती हुई नजर आई है, लेकिन इसके सोल फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि निर्यात मांग जो है आगे फिर से तेजी की ओर जा सकती है। फिलहाल किसान भाई बहनों को जीरे के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो तेजी में ही बने रहे हमारे किसान। ऐसे में कितनी तेजी देखने को मिल सकती है, यहाँ पर क्या बदलाव होगा, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन जीरे के अंदर तेजी में बने रह सकते हैं। ये किसानों के लिए फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं अक्टूबर नवंबर की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 200 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 450 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, 400 से 450 प्रति क्विंटल के स्तर पर भी जा सकते हैं तेजी, जिसका फायदा हमारे किसान को मिल सकता है थोड़ा सा इंतजार करके, और मंडियों में निगरानी बनाकर हमारे किसान चल सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, उड़द के जो बाजार भाव है उसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की ध्रोल मंडी की। उड़द का जो बाजार भाव है 7,275 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजस्थान की विजयनगर मंडी की बात करें, यहां सौदे हुए 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में उड़द की बिकवाली हुई 9,150 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं कानपुर मंडी में भाव रहा 9,020 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने उड़द के बाजार भाव का हाल। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे धनिया और काजू का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा वही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट, हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर, और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं धनिए की। बताएं आपको, विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की जो लोकप्रियता है तेजी से बढ़ रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले कुल मसालों की मात्रा और उनकी कीमतों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन कुल मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि हम बीते साल की बात करते हैं यानी कि साल 2022-23 का जिक्र करते हैं तो इसमें जो निर्यात है 14,04,357 टन का ही रहा था। अब बात करें धनिए के निर्यात की, तो देश से होने वाले धनिए के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिए का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिए का निर्यात महज 54,481 टन का ही हुआ था। यानी कि अगर हम बात करते हैं धनिए के निर्यात में इस साल करीब करीब 54,143 टन तक की बढ़त देखने को मिली है। फिलहाल मंडियों में इन दिनों धनिए की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की बक्सरा मंडी में धनिए का भाव रहा 5,812 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राज्य की ही भनवद मंडी का जिक्र किया जाए 6,400 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। वहीं गुजरात की मांगरोल मंडी में 6,975 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो धनिए के निर्यात में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे में भाव किस तरह से रह सकते हैं, किसान क्या फायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी के लिए हम रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, धनिए की हम बात करते हैं तो आगे किस तरह का बदलाव हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं धनिए के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालता हूँ तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहाँ तक घरेलू स्तर पर मांग की बात है तो पिछले 6 से 8 महीने के दौरान हमने देखा है कि घरेलू मांग में लगभग 7% तक की वृद्धि हमें होते हुए दिखाई दी है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाई बहन धनिया के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तेजी करके चल सकते हैं हमारे किसान, तो कितनी तेजी अनुमानित है, क्या फायदा हमारे किसानों को मिल सकता है? बिल्कुल, किसान भाई बहन धनिया के अंदर तेजी करके चल सकते हैं, ये किसानों के लिए कच्चा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं अक्टूबर नवंबर की बात करता हूँ तो वहाँ पर मुझे 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 रुपए क्विंटल की ओर भी जा सकती है। जी, तो अच्छी खासी तेजी का अनुमान है, तो ऐसे में हमारे किसान अगर भंडारण क्षमता रखते हैं तो इंतजार करके जरूर चले। मूंग की बात करते हैं अब बुलेटिन में, गुजरात की राजकोट मंडी से करेंगे शुरुआत। मूंग का जो बाजार भाव है बता दें आपको 6,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जसदण मंडी में भाव रहा 8,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में मूंग के सौदे 6,780 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, और वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बुलेटिन में बात काजू की। जानकारी दें आपको कि हाल ही में एपेडा की ओर से काजू के निर्यात को लेकर ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश से होने वाला काजू गिरी का जो निर्यात है 65,808.42 मीट्रिक टन का हुआ है, जिसकी कीमत 2,808.80 करोड़ रुपए है, जबकि अमेरिकी डॉलर में इसकी कीमत 338.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत ने साल 2023-24 के दौरान चीन, वियतनाम, मेक्सिको, कोरिया गणराज्य और जापान को काजूगिरी का निर्यात किया है। बता दें कि भारतीय किसानों ने पिछले कुछ समय में खेती करने के अपने तरीके में कई तरह के बदलाव किए हैं। किसान अब परंपरागत खेती के साथ साथ अलग और अच्छा मुनाफा देने वाली जो फसलें हैं उनकी तरफ भी रुख कर रहे हैं, और इन्हीं मुनाफा कमाने वाली फसलों में काजू की फसल भी शामिल है। जानकारी दें आपको कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के कुल काजू उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा भारत से ही आता है। केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहाँ काजू की खेती की जाती है। तो काजू का निर्यात अच्छे स्तर पर है, तो ऐसे में साहिल जी क्या कहेंगे आप इसके बाजार को लेकर? जी बिल्कुल,
देखे दौरान काजू के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते तो हम देखते हैं कि पिछले 2-3 सालों के दौरान काजू के निर्यात मांग में लगातार बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि लगभग 2-3% तक की ऑन एन एवरेज हमें घरेलू मांग में बढ़त देखने को मिल रही है। उत्पादन क्षमता भी पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी होते हुए नजर आ रही है और आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान लगभग हमें 3-4% तक घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद लग रही है। अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल देखने को मिल रही है। यही एक मुख्य कारण है कि लगातार इसके निचले स्तरों से भावों को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए किसान भाई बहनों को काजू में तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो फायदा कितना मिल सकता है हमारे किसानों को, क्या कहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन काजू के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल फेस्टिवल सीजन को देखते हुए मैं कहूंगा कि अक्टूबर नवंबर के दौरान हमें 3-4% तक की तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है लगभग 5% तक की ओर भी जा सकती है। बिल्कुल, तो काजू की यहाँ पर बात हो गई, इंतजार करके चल सकते हैं हमारे किसान। अब बढ़ते हैं आगे, मसूर के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में मसूर का बाजार भाव रहा 7,060 रुपए प्रति क्विंटल। कानपुर मंडी में सौदे हुए 6,440 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि लखीमपुर मंडी में मसूर 6,730 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। वहीं राज्य की ही मिर्जापुर मंडी में इसके सौदे हुए 6,790 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार मसूर का आपने जाना। और अब जाते जाते आज के मंडी खबर में हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह जो है वो आप तक पहुंचा देते हैं। जी हाँ, हमारे विशेषज्ञ की जो सलाह है वो धनिए पर आ रही है। बता दें आपको कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धनिए की जो मांग है उसमें अच्छी खासी तेजी की संभावना है। इसका निर्यात 8% तक बढ़ा है और आने वाले त्योहारी सीजन में 2% तक की और भी ज्यादा वृद्धि हो सकती है। बता दें आपको कि इस वजह से किसानों को अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों और व्यापारियों के लिए धनिए का बाजार लाभदायक एक साबित होने की उम्मीद लगातार यहां पर बनी हुई है। इसकी जो अंतरराष्ट्रीय घरेलू मांग है उसमें तेजी बनी रहने की संभावना है। अक्टूबर नवंबर के महीने में धनिए की कीमतों में 250 से 300 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेजी आ सकती है। अगर किसान अपने उत्पाद को भंडारित कर सकते हैं तो आने वाले समय में 500 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर यह कहा जाएगा कि किसानों और व्यापारियों के लिए धनिए का जो बाजार है वो लाभदायक साबित हो सकता है, यही उम्मीद जताई जा रही है। तो यदि हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह हमारे किसानों के लिए, और इसके लिए हम हमारे जो कमोडिटी एक्सपर्ट हैं साहिल जी, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इतनी अहम जानकारियां साझा कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका साहिल जी हम। और इसी के साथ बता दें आपको किसान भाइयों बहनों, आज के मंडी खबर में भी बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक और विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।